बस अभी पानी चाहिए मुझे। अरे पूछताछ कर रहे हैं, मैं भी कॉल करता हूँ। आधी ऊपर कर लो, आधी नीचे कर लो। आधी नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो। रोल रोल है, रोल है। सर एक एक कैश जो है सर, नौ लाख की बता रहे क्या? ये अजीत नामक व्यक्ति है, ये कैश कलेक्ट करते हैं, कैश कलेक्ट करके बैंक में जमा करने जाते हैं। ये अपना कैश लेकर जब जा रहे थे तो पीएसी मोड़ से थोड़ा आगे इनको एक मोटरसाइकिल पे तीन लड़के थे, उन्होंने ओवरटेक किया, ओवरटेक करके इनको धक्का मारा और ये वहाँ से वापस भागने लगे। जब वापस भाग रहे थे तो पीछे से एक फायर भी उन्होंने किया, जिससे फिर ये डर के वहाँ रुक गए और इनसे एक बैग छीन लिया। और उस बैग में जो कैश था, जिसका डिटेल ये अभी बाद में दे पाएंगे, वो इनसे छीन कर भाग गए। हाँ, ये बता रहे हैं इनके साथ 2016 में भी कंकरखेड़ा में ही इस तरह की एक घटना इनके साथ हुई थी, वो उसमें भी इनके फायर लगा था। पहले वाली घटना में कोई जांच वगैरह होती है? उसमें FIR हुई है, अब बाकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं उसका, और बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा। इस घटना के संबंध में हम लोग सारी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। SSP साहब को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें जो हमारे ऐप्स हैं बहुत सारे, जिसमें क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रा चेक करें, उसको चेक कराया जाए। पूर्व की घटनाओं में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में पता कराया जाए, और इसके लिए चार अलग अलग टीम बनाकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा होगा। सर, जिस तरह से कलेक्शन एजेंसी है और इतना मोटा कैश लेके बाइक से जा रहे थे, क्या इनके पास कोई वाहन या गन की गनमैन की सुविधा? ये लड़का कहता है कि मैंने गनमैन के लिए मांग की थी, लेकिन एजेंसी ने मुझे गनमैन उपलब्ध नहीं कराया। और इसने दो बार ये कहता है, इस तरह के फोन रिकॉर्ड्स हैं, इसकी हम सत्यता की जाँच करा रहे हैं कि ये एजेंसी ने इनको गनमैन क्यों नहीं उपलब्ध कराया।